दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हमें बात करने वाले हैं कुछ नोटिफिकेशंस की। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं आपको ये नोटिफिकेशन तो स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट नौकरीज़ भी हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊँगा, लिंकों को ओपन कर करके बताऊँगा आपको। लेकिन आपको इसके लिए क्या है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसरो में वैकेंसीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, बात करूँ मैं तो यहाँ पर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जो एससी, जो इंजीनियर एससी के लिए, जो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट है 9, ठीक है, और पोस्ट नंबर है 28। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बी.टेक है, उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास, यहाँ पर 65% मांगा है, ठीक है, आपके पास है ये, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पर इंजीनियर एससी केमिकल इंजीनियरिंग एक पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, MEMTech केमिकल इंजीनियरिंग से हो, यहाँ पर अगर फर्स्ट क्लास हो, यहाँ पर 60% ही मांगा है, ठीक है। BE/BTECH केमिकल इंजीनियरिंग तो वहाँ पर 65% होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे इंजीनियर एससी के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, तो MEMTech उसके इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन है आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास 60% के साथ, या आपके पास बीटेक है, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से चलेगा, सिविल से चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, लेकिन 65% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यहाँ पर पावर सिस्टम, तो दोस्तों यहाँ पर MEMTech या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो पावर सिस्टम फर्स्ट क्लास 60% हो, या आपके पास BE/BTECH हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 65% होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर MEMTech या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है, डिग्री आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी से फर्स्ट क्लास 60% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BE/BTECH है आपके पास तो भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या 65% होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ मैं दोस्तों मशीन डिज़ाइनर या इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए यहाँ वैकेंसी है। MEMTech आपने अगर उसकी इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन करा है और वो मशीन डिज़ाइनर इंजीनियरिंग डिजाइन के रेट फर्स्ट क्लास है 60% के साथ किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। BE/BTECH का भी दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पर वैकेंसी है इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर एक वैकेंसी जो MEMTech उसके रिलेटिव ब्रांच से मांगा है या BE/BTECH, जो सेम ही है, परसेंटेज और क्राइटेरिया वो सेम ही है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एससी ग्रेड के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों 2 ईयर का ड्यूरेशन मांगा हुआ ऑलरेडी और क्वालिफिकेशन में MBBS और डिप्लोमा रिलेटिव ब्रांच से मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ मेडिकल ऑफिसर की, तो यहाँ पर दोस्तों मेडिकल ऑफिसर में जो क्वालिफिकेशन MBBS प्लस डिप्लोमा मांगा हुआ है चाइल्ड हेल्थ से। नेक्स्ट बात करूँ मेडिकल ऑफिसर SC, तो दोस्तों यहाँ पर MBBS और डिप्लोमा मांगा है रिलेटिव ब्रांच से। नेक्स्ट बात करूँ मेडिकल ऑफिसर SD, तो MBBS प्लस MD, MS और DNB रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ठीक है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे देखो नोट दिया हुआ ऑलरेडी कि ये चीज़ क्राइटेरिया आप ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये सारे क्राइटेरियाज अच्छे से पढ़ के तभी आगे फुलफिल करें। मैं आपको कहूँगा इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, ये सारी टर्म्स कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें। और ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इज देखो आपको मैं बात करूँगा जो SC ग्रेड था इंजीनियर के लिए वो 18 से 35 ईयर दिया हुआ है, मेडिकल ऑफिसर था SC ग्रेड के लिए 18 से 35, मेडिकल ऑफिसर था SD ग्रेड के लिए, जहाँ पर दोस्तों अपर एज लिमिट नो अपर एज लिमिट, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट लिखा है ना, ये सारे पढ़ लें, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट की बात करूँ तो 100 रुपये जैसा पेमेंट लगेगा एप्लीकेशन भरने में, जिसका दोस्तों लास्ट डेट है 18/1/2020 शाम को 5 बजे तक है, ठीक है, तो तब भरना पड़ेगा। मैं आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ,
अब बात आती है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू, ठीक है। तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन भरा जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे भरने का प्रोसेस क्या है। तो अप्लाई कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं, फिर भी मैं बता रहे दे रहा हूँ। मैं आपको वहाँ भी जाके बता देता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस वही है, आपके पास सारे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पहले रहना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें रहना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बाद में क्या है 27/1/2020 से पहले पहले ये यहाँ पर भेजना पड़ेगा पूरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी एड्रेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक लिंक खोलता हूँ ये वाला। तो मैंने लिंक खोली तो देखते हैं क्या है, ऑलरेडी उसमें भी ये लिंक दिया ही हुआ है। तो मैंने ये लिंक खोला तो इस तरीके का इंटरफेस कुछ ओपन हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कैरियर में जाता हूँ दोस्तों। मैं कैरियर में गया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है वो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर क्या है, मैं आपको सामने ही देख लेता हूँ। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 4/2019। तो मैं 4/2019 देखता हूँ तो ये वाला नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जाता है। मतलब मुझे ये वाला फर्स्ट वाला और नोटिफिकेशन अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी है अप्लाई प्रोसेस। तो यहाँ से देखिए पूरा इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे आप अप्लाई तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ये सारी फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अप्लाई जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ का नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी है, जैसे मुझे अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर दिया मैंने। तो अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या आता है, कुछ इंटरफेस किस तरीके का खुलता है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो डिटेल्स हैं वो मांगेगा, जो नॉर्मल डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपका, वो चीज़ें हैं। बाद में हम नेक्स्ट स्टेप कर देंगे और सारा फुलफिल कर देंगे पूरा फॉर्म, ठीक है। ये जानकारी आपको शॉर्ट में दे दी गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड में, जहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज है, जो MD MS 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, MBBS 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इस तरीके से हैं दोस्तों। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ लिंक ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये साल्ट वाला मैंने वो लिंक ओपन किया आपके सामने, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, 4/2/2020 लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप अप्लाई नीचे लिंक है जो, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये नीचे जो लिंक है, लिंक फॉर अप्लाई, यहाँ पर लिंक पर आप ओपन करेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है पहली। तो यहाँ पे जो है CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। तो दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 ईयर एज लिमिट है, 51,000 जैसा सैलरी रखा है, 6 पोस्ट है, ठीक है। एक है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए, रिजर्व में एक है, और एक है टेक्निकल टेक्नीशियंस के लिए, जहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, 28 ईयर एज लिमिट है, ठीक है। और जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 40 ईयर एज लिमिट है। तो यहाँ पर आते दोस्तों नेक्स्ट जो है, यहाँ पर बांटा हुआ है कि किस हिसाब से वैकेंसी निकला हुआ है, वो चीज़ बांटी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है क्वालिफिकेशन में B.Tech मांगा है 55% के साथ, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, होना चाहिए। MSc आपके 55% के साथ,
तो आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ना, ठीक है। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो रिलेटिव किससे होना चाहिए वो लिखा हुआ है आप ऑलरेडी, जॉब आपका क्या रहेगा वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो है दोस्तों, यहाँ पे दिया वो ऑलरेडी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन में B.Sc मांगा है विद B.Lib.Si। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो प्रोफाइल और वो सब दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों वो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए थे लाइब्रेरी वाली भी। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट वही जो पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास B.Sc चाहिए और यहाँ पर रिलेटिव लिखा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही है जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल से चाहिए, 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जॉब प्रोफाइल लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे क्या अलग अलग है, तो नेक्स्ट है जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन, लिस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जो फर्स्ट क्लास B.Sc करे हुए हैं, तो दोस्तों उनके लिए। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट जो फर्स्ट क्लास B.Sc करे हैं उनके लिए यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट B.Sc वालों के लिए, लेकिन एरिया अलग अलग हैं सबके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बांटा हुआ है, केमिकल के लिए टेक्नीशियंस के लिए हैं बहुत सारे पद, टेक्नीशियंस के लिए देखो यहाँ पर बताया गया है, केमिकल लेबोरेटरी हैं, क्वालिटी QA के लिए है। और आपकी मैं बात करूँ कि यहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर SC 10th मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों टेक्नीशियंस के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए, सिविल के लिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं जो यहाँ पर दोस्तों हार्टिकल्चर के लिए है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब फुल नोटिफिकेशन पूरा मैं बता दे रहा हूँ ऑलरेडी आपको इसके बारे में, तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेनिफिट्स आपके अदर कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आपके सामने, पूरा नोटिफिकेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ये अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो वेबसाइट पे इस पे जो www.nbri.res.in पे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से स्टार्ट करना है। और सारे सीट यहाँ पे पूरा उसके अपना जो भी क्वालिफिकेशंस वो हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वो करने हैं। और आपको यहाँ पे ये यहाँ पर डिमांड DD बनाना है 100 रुपये जैसा, तो वो बनाना है डायरेक्टर CSIR नेशनल। तो यहाँ पूरा दिया हुआ इस एड्रेस में आपको बनाना है सामने जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 31/1/2020 लास्ट डेट है, जो स्पीड पोस्ट करोगे वो 31/1/2020 से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। मैं एप्लीकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, एप्लीकेशन किस तरीके का और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा वो भी साथ में मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके का एप्लीकेशन है, नाम पूरा दिया हुआ है, विज्ञापन नंबर जो भी है सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल्स हैं, आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटिव सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, अब मैं आपको बताऊँगा एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। मैं जैसे लिंक को ओपन कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एडवर्टीजमेंट मुझे दिखेगा जैसे मैं लिंक को ओपन करूँगा। एडवर्टीजमेंट को ओपन कर लिया, फिर परमानेंट को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वही नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप 31/1/2020 लास्ट डेट, तो यही नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्लिक करोगे जैसे ही तो आ गया, और ये आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन लेना है तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
शाल्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कुछ रिक्यूरमेंट्स और बचा था, जैसे टाटा मोटर्स है, मैं टाटा मोटर्स को खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स मैंने ओपन किया, तो मैंने करियर के लिए ओपन किया, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी, जैसे मैं एक खोलता हूँ, फर्स्ट वैकेंसी खोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन में खोलता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, तो मैं इस तरीके का फर्स्ट खोलता हूँ। तो ये दोस्तों जो है 1 जनवरी को यहाँ अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन बैचलर इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, 5+ ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पर दबाओगे तो यहाँ कुछ ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप प्रोसेस करते जाइए धीरे धीरे। तो ऐसी सारे ब्रांचेज में देख सकते हैं आप, सारी देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे सेल्स मार्केटिंग में, इंजीनियरिंग R&D में, परचेज में है, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, QA में है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिंक ओपन करता हूँ सेकंड, तो लिंक ओपन की, तो यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसीज है वो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने है, जॉनसन केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, तो ये दोस्तों 0 से 2 ईयर में तो फ्रेशर वाले भर सकते हैं, 5 वैकेंसीज है। जिन लोगों ने डिप्लोमा केमिकल से किया वो लोग यहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। ये जो तो थर्ड पार्टी रोल पे आप काम करेंगे, ये जहाँ बता देता हूँ, लोकेशन है नवी मुंबई। अगर आपको अप्लाई करना है तो इजीली मैं आपको बता दूँगा कैसे, लास्ट टाइम बता दूँगा कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट। और तो दोस्तों नेक्स्ट ये ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑर्गेनिक्स इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर्स लोग बढ़ सकते हैं, एक वैकेंसी है। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल आपकी दी हुई है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है B.Tech बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, B.Sc भी चल देगा, यहाँ पर M.Tech भी चलेगा, ठीक है, MS और M.Sc भी चलेगा, तो आप बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये सारी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से आप इन सारी लिंकों को खोज सकते हो, ठीक है, ईजीली। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसे लग रहे हैं मुझे प्लीज़ बताओ, मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा कंबाइंड कर दे रहा हूँ बार बार, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।